शिवरात्रि का प्रसंग कहता है, अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और तिल्ली के काली तिल्ली के सात दाने। एक काली मिर्ची और तिल्ली के काली तिल्ली के कितने दाने? सात दाने। हथेली में रखकर अपनी कामना कर मन से अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, आपकी मनोकामना। कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक काली मिर्ची और सात काली तिल्ली के दाने मात्र। महाराज जिसके घर में क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े, ना बहू कुछ सुनने को तैयार ना सास सुनने को तैयार, और घर में बेचारे पुरुषों की आफत, यहाँ भाई भाई झगड़ रहे हो, सास बहुएं झगड़ रही हो, कुछ मत करिए, गेहूं की बाली को तोड़ो। गेहूं की बाली जानते हो ना, जिसमें आप लोग, तो गेहूं की बाली को तोड़ना है, और बाली सात बाली तोड़कर अपने घर में घुमाकर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको शंकर को समर्पित कर दीजिए। जिंदगी में कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा। हमारे शिवरात्रि के दिन उसको समर्पित करिए, आपके घर में कभी क्लेश नहीं बस सकता। और शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर एक धतूरा चढ़ा दो। क्या चढ़ाना है जम के बोलिए, धतूरा। ये शंकर भगवान को धतूरा चढ़ा दो 12 बजे रात्रि को, शिव जी पे धतूरा चढ़ाओ, आधे घंटे तक धतूरा चढ़ रहने दो, और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जिस शंकर जी पे धतूरा चढ़ाए उस मंदिर के बाहर बैठकर कौन सा मंत्र जपना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धतूरा चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए, और जो दुकान नहीं चलती हो, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, संपदा नहीं आ रही हो, बस उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने घर में रात को 12:30 बजे उठाकर लाओ, और 4 बजे के पहले उसको अपनी दुकान व्यापार व्यवसाय में उसको बांध दीजिए, और अगर जो जमीन फसल सही नहीं दे रही हो उस जमीन में ले आकर गाड़ दीजिए। आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी, लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी, महाराज संपदा बढ़ेगी। जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, बहुत बीमारी उसको घेरे रहती हो, परेशान रह रहा हो, बीमारी बीमारी बनी हुई है, तो बोर चढ़ाइए, बेर, क्या बोलते हैं यहाँ पर, बेर की बोर, वो खाने वाला बेर जो होता है, उस बेर को 7 बेर ले लो, और 7 बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि की दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाए। शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है, और शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर उठाकर ले आइए, और उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लो किसी को उधर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया, और डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है, वो बेर अगर आपके यहाँ रखा हुआ है, वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए, आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग होगा एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना दम, इतना प्रबलता आ जाती है शंकर को, जो शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाया जाता है, वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो, और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए, हल्दी में डुबोना पड़ता है। यही प्रमाण एक क्रम में और है महाराज जी। लिंग पुराण कहती है, मान लो
किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया, और वो रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां लग रही, गोलियां खा रहे हैं, तो महाराज उसका भी वर्णन है, सात धतूरे, कितने धतूरे लेना है, सात धतूरे, कोई सी भी शिवरात्रि से मतलब महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आती है, किसी भी शिवरात्रि के दिन सात धतूरे लेकर एक धतूरे में मौली लच्छा नाड़ा लपेट कर चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर उस मौली को लपेट कर छह धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जो जलाधारी है, जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है, शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये भगवान का जल निकलने का स्त्रोत, चरणारविंद का भाव, शिवलिंग जहां रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल, जो ये गोल भाग है ये पार्वती का हस्त कमल, जहां शिवलिंग रखा है, जहां से जल नीचे गिरता है उसके सीधे भाग में श्री गणेश जी महाराज का स्थान है, उसके उल्टे भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं सांप बना होता है, कहीं स्थान बना होता है, जो मोटी सी लाइन है ये शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। जलाधारी के ऊपर जो तीन टेकी लगी है ये भृगु ऋषि का भृंगी गण का स्थान है। इसके ऊपर जो कलश है, कलश में जो पानी भरा जाता है, वो पानी जो बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की पांच लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, सामरीबारी, धोतली और देव, ये पांच लड़कियों का स्थान है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के सामने से जहां से जल चालू होता है गिरने के लिए नीचे की ओर जब जल जाता है, उस स्थान पर भगवान शंकर के सारे गणों का स्थान है। फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उतनी दूर तक भगवान शंकर के उस जल भाग को ग्रहण करने के लिए 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए उस जल को हम लांगते नहीं है, क्योंकि वहां 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं महाराज। तो जो बीमारी डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिटी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है, सात धतूरे एक धतूरे पर मौली लपेट कर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, छह धतूरे उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान। महाराज शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्त कमल के ऊपर एक धतूरा, पांचवा एक धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो बिल्कुल वहीं पर एक धतूरा चढ़ा देना। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापिस लेकर आना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है महाराज। धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये केवल शिवरात्रि के दिन ही होता, 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हो, किसी भी शिवरात्रि।